हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DNH क्रिएशंस। यार, आर्ट ऐसी चीज़ है ना दैट मेक्स मी ब्रीथ विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। सो हेलो हेलो एवरीवन, ये जो आज का DIY है ना, वो बहुत ही स्पेशल एंड इट इज़ क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई एम मेकिंग दिस फॉर माई हस्बैंड। उनके बर्थडे के लिए ये गिफ्ट बनाया था मैंने, एंड ही लव्स लॉयंस, टाइगर्स, ईगल्स। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था आई विल मेक समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो उसके लिए मैं वॉच बॉक्स ले आई थी पहले से ही। मुझे, मैं मस्कट में रहती हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें मुश्किल से मिलती है, तो मुझे इंडिया से आते आते पहले से ही सोच के चीज़ें प्लान करके लेके आनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मूड है मैंने ये लेके बना दिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती है उसमें। मुझे ये सब पहले से ही अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो ये मैंने पहले से ही इंडिया से ला के रखा था। एंड इस पर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है जैसो लगाने से। एज़ यू ऑल मस्ट बी नोइंग हाउ जेसो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग ऑन द बेस, स्पेशली MDF पे। तो ये मैंने, जो मैंने इन एंड आउट हर हर जगह मैंने इसको अच्छे से जेसो से कवर किया है। इवन वॉच के जो पार्टीशंस होते हैं वॉच रखने के लिए, उनको भी मैंने जेसो कर दिया। एंड आई हैव टेकन दिस पेपर, जैसे मैंने अभी बताया मस्कट में चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो मैंने ये कलर प्रिंट आउट ले लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेकोपाज पेपर या फिलामेंट पेपर ऐसे मिल नहीं सकता है यहाँ पे कुछ भी इजीली। एंड ये प्रिंट आउट को लेने के बाद मैंने साइड्स कट कर दिए जो भी इसके एक्स्ट्रा वाइट थे इसमें। एंड इसके अलावा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का मॉड पॉज ग्लू। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप लोग भी ना, जब कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किसी को देने के लिए बनाए, तो होममेड मॉड पॉज नहीं यूज़ करके जो एक्चुअल मॉड पॉज ग्लू है वही यूज़ करें, बिकॉज ये चीज़ इसके लिए बनी है डेफिनेटली, तो इसमें कुछ तो होगा ही, बिकॉज फिनिशिंग इसका अच्छा आता है। सो मॉड पॉज ग्लू लेके मैंने ये प्रिंट आउट धीरे धीरे करके मैंने लाइन बाय लाइन पेस्ट किया, ताकि रिंकल्स ज़्यादा नहीं हो। वैसे प्रिंट आउट में तो रिंकल्स कम आते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान तो देना ही चाहिए हमको। एंड सारे छोटे मोटे जो भी थोड़े बहुत रिंकल्स आए थे, वो रिमूव करने के बाद मैंने मॉड पॉज का एक और लेयर लिया है, और सारे प्रिंट आउट के ऊपर मैंने फिर से एक लगा दिया, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड अच्छा बने, फिनिशिंग अच्छा है मेरे बॉक्स में। ये लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से सूखने दिया है। कम से कम मैंने इन चीज़ों को 3 से 4 घंटे मैंने सूखने दे दिया, सो दैट आई वुड बी एबल टू वर्क ऑन दिस प्रॉपरली। तो उसके बाद मैंने ना इसके साथ जो भी कलर्स इसमें हैं प्रिंट आउट में, उसके साथ मैच करते हुए मैंने पूरे बॉक्स में यूज़ किए हैं। तो मैंने उसके लिए पर्पल, ब्लू, पिंक, ये सारे चीज़ कलर्स मिक्स किए। मैं अभी आपको ये, एक्चुअली अभी आप मेरे बोलने से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि मैंने कलरिंग कैसी की है, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप ये एन्जॉय करिए ट्यूटोरियल, एंड मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थैंक यू। Thank you.
फ्रेंड्स कि ये आप लोगों को भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप अभी तक देख रहे हो और आप इसको पसंद कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। एंड कैन यू सी द कलर्स कैसे मिक्स एंड मैच हो गए हैं। हम लोगों को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मैंने डेकोपाज किया है, प्रिंट आउट लगाया है, पेंटिंग ही लग रहा है, राइट? तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसके कलर्स जो मिक्स एंड मैच करके लगाए हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉच।